छटाओं से गौरवान्वित एवं जंगल पहाड़ पठार खनिज संपदाओं से अलंकृत झारखंड की धरती पर जीवन को प्राणवान बनाने के लिए अनेक नदियां एवं जल प्रपात भी हैं। इसी प्रकार अमानत नदी हजारीबाग पठार पर उत्पन्न होती है और फिर चतरा जिले के सिमरिया पुलिस थाना क्षेत्र में लॉन डांग वाणिज्य अभयारण्य की दक्षिणी सीमा बनाती है। तत्पश्चात ये पलामू जिले से लगभग पश्चिम में बहती है, जब तक ये डाल्टेनगंज से 5 मील उत्तर में उत्तर कोल नदी में मिलती है। ये एक समृद्ध सुसंस्कृतिक घाटी के माध्यम से बहती है और पलामू जिले के पूर्व का प्रमुख जल निकासी चैनल भी यही है। नमस्कार, मैं हूँ शाहिन अली और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आगाज़ हो चुका है मीडिया 2021 का, जहां आप मीडिया कर्मी भी फील्ड पर उतरेंगे और मचाएंगे धमाल। तो इसी को लेकर आपका स्वागत है हमारे नए सेगमेंट टीमों का नदियों से संगम में, जहां हम आपको मिलवाएंगे सारे कैप्टन से। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है अमानत टीम के कैप्टन राजेश तिवारी जी। तो आइए अब हम बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप बताइए सबसे पहले कि मीडिया कप 2021 को लेकर कितने एक्साइटेड है आप? बहुत ज़्यादा। जिस तरह से मीडिया वाले जो मीडिया कर्मी हैं वो लोग काम करके थक जाते हैं, लेकिन इस बीच आपको जो मीडिया कप जो शुरू हो रहा है वो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। और एक उसमें पहला है कि भाई हम लोग सब एकजुट होकर के और एक साथ मिलते हैं, चूँकि मिलने का मौका नहीं मिलता हम लोग को, एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। तो वो भी एक मीडिया कप के जरिए वो भी एक बहुत बढ़िया हम लोग का एक जरिया है मिलने का, जो कि हम लोग मिल के इंजॉय करते हैं। और हर जीत तो है अलग, लेकिन हम लोग सबसे बड़ा है कि हम लोग उसमें मिल सकते हैं एक साथ। एज अ कैप्टन, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग आप कर रहे हैं अपनी टीम को जिताने के लिए? देखिए, स्ट्रैटेजी तो हम लोग का है, हम लोग सबसे पहला बात है कि स्ट्रैटेजी उसमें कि सुबह हम लोग जल्दी उठ रहे हैं, रात में देर से काम करके सुबह उठ जा रहे हैं और फील्ड में दिख रहे हैं और जोश के साथ हम लोग उतर रहे हैं। और जिस तरह से मैंने आईपीएल की प्रैक्टिस होती है, टीमें करती हैं, उस तरह से हम लोग पूरे जोश के साथ मैंने प्रैक्टिस कर रहे हैं। गिर भी रहे हैं लेकिन बॉल को नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बेहतरीन। तो लास्ट ईयर जो मीडिया कप हुआ था, इस साल मतलब उससे कितना अलग होने वाला है ये मीडिया कप? देखिए, उस साल पिछले साल तो मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाया था, लेकिन देखता था, पढ़ता था कि भाई बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन इस बार भी बहुत अच्छा, चूँकि जेके इंटरनेशनल का ऑर्गेनाइजिंग में हो रहा है, पार्टिसिपेशन में हो रहा है, तो बहुत अच्छा इस बार और भी ज़्यादा क्रेज़ लोगों में है कि भाई हम लोग खेलेंगे और जम के खेलेंगे। जनरली हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं वही फील्ड पर खेलते हैं, इस बार मीडिया पर्सन्स वो मतलब फील्ड पर उतरेंगे और मचाएंगे धमाल, है ना? तो क्या ऑरा और क्या एक अलग अवतार में नज़र आएंगे हमें मीडिया पर्सन? ये एक नया अवतार है, चूँकि अब कलम से भी धमाल मचाते रहे हैं और इस बार हम लोग बॉल के बीच हम लोग एक दूसरे से टसन करते दिखेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा लग रहा है हम लोग को कि भाई हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे और जम के विरोधियों के हम लोग एक दूसरे से जुटेंगे। ऐसा माना जाता है कि कोई भी टीम हो, सबसे अहम बात होती है टीम यूनिटी। तो आपकी टीम की मतलब यूनिटी के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो क्या कहेंगे आप? हम लोग सब एकजुट हैं और बहुत ही अच्छा, हमारी टीम में जो प्लेयर हैं सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं और मेहनती हैं और जोश से लबरेज है कि हम लोग इस बार फतेह करेंगे। चलिए, एक जो प्लेयर होते हैं उनका पहली चीज़ तो वो बहुत पंक्चुअल हो अपने प्रैक्टिस को लेकर, और दूसरी चीज़ फिटनेस, मतलब प्लेयर है तो उसे फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपके टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं उनके फिटनेस और रिलेटेड टू प्रैक्टिस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जनरली है कि भाई कोई भी है जो केवल बचपन में खेले होंगे क्रिकेट तो अलग बात है, लेकिन अभी का जो है मामला उसमें फिटनेस थोड़ा सा हम लोग को उसमें बाधा आ रहा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारी टीम के साथ नहीं हुआ, सबके टीम के साथ फिटनेस का मामला आ रहा है, इसलिए हम लोग भी पूरे जोश में हम लोग हैं और फील्ड में दिखेगा। चलिए, एंड में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी टीम अपने आप को मतलब क्या एज्यूम कर रही है कि हम फाइनल्स तक पहुँचेंगे, क्या स्कोर्स बनाएंगे, क्या अजम्पशंस चल रहे हैं अभी तक? हम लोग टॉप 2 में रहेंगे।
हाँ टॉप वन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ टॉप टू में हम लोग रहेंगे। और हम लोग का स्ट्रेटेजी है कि भाई हम लोग 180 हम लोग स्कोर लेके चलेंगे। मतलब पूरी प्लानिंग है कि टॉप टू में रहना और जीतना भी है। ओके चलिए, तो बहुत बेहतरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल में आए और अपना कीमती समय हमें दिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ टीम अमानत के कैप्टन राजेश तिवारी जी, जिन्होंने हमें बताया कि वो मीडिया कप को लेके कितने एक्साइटेड है और क्या कुछ स्ट्रैटेजीज एंड प्लानिंग चल रहा है। तो इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बने रहिए JK News Network के साथ। धन्यवाद।